जय माता दी दोस्तों। तो आज है डे वन ऑफ डप्पू बाजा मेकिंग। अच्छा, ये हैं दद्दा जी, खड़गपुर के दद्दा, डप्पू बाजा के लीडर। మంచి చేసినవా आज है डे टू ऑफ डप्पू बाजा मेकिंग। ఈ ఫ్రేమ్ అన్ని పాతకాలమే అంటే కొత్త, ఇప్పుడు మనకు కావాలి చేయించుకోవాలంటే అవుతుంది కదా, ఎక్కడ దొరుకుతుంది? ఆంధ్రాలోనే దొరుకుతుంది. ఇది ఏం కర్ర ఫ్రేమ్? పాడదు అంటే ఇది. ఈ ఫ్రేమ్ ఎన్ని సంవత్సరాలు అయిపో ఉంటుంది? ఈ ఫ్రేమ్ చాలా పాతది అనిపిస్తుంది కదా, ఇరవై సంవత్సరాలు కర్ర అలాగే ఉంది పోలే కదా. ये फ्रेम है दोस्तों, जो डप्पू बाजा का फ्रेम है, काफ़ी पुराना है, पुराने लकड़ी का बना हुआ है। ये खासकर आंध्रा में ही बनता है, और जो पुराने डप्पू जो फट जाते हैं, काम के नहीं होते, तो उनको उतार कर उसमें नया चमड़ा जो है, नया जो है फ्रेम चढ़ाया जाता है डप्पू बाजा के।
दो तीन दिन लग जाते हैं दोस्तों डप्पू बाजा बनाने में, क्योंकि पहला जो दोस्तों जैसा हमने बताया इस फ्रेम में जो है चमड़ा चढ़ाया जाता है। तो पहला स्टेप ये है कि चमड़े को साफ कर कर भिगोया जाता है पानी में कम से कम 24 घंटे के लिए। फिर अगले दिन निकाल कर जो है फिर उसको साफ कर कर उसमें छेद कर कर ये जो फ्रेम है डप्पू का आंध्रा स्पेशल फ्रेम इस पर चढ़ाकर फिर फंसा जाता है रस्सी के साथ। और इस लकड़ी की खासियत ये है, और दद्दा जी ने भी बताया कि काफ़ी पुराना लकड़ी है, साल का बना हुआ है और इसमें कोई ख़राबी नहीं आती। 30 साल 25 साल से ये फ्रेम ज्यों का त्यों है, कोई चेंजेस नहीं। ये है स्पेशलिटी। जय माता दी। पाउडर किसका? इमली बीजा का पाउडर, तेल पाउडर बोलता बंगाली में, हिंदी में इमली बीजा पाउडर। इसी से चिपकाना पड़ता है। इसको पसीना निकाल देता है नाश्ते कर चल उठा ना के देख मैंने फोन हेलो हां रस्सी रस्सी ऊपर दबा बस ध्यान दे कि मैं बोलो दद्दा तो मार पीटे चलेगा पैसा नहीं दिया बोला ना देगा बोला जय भोलेनाथ चल। दोस्तों पहला कसा जाता है, फिर उसको और मजबूत बनाने के लिए जो है उस पर थोड़ा सा वेट दिया जाता है। तो माता का आशीर्वाद लेकर माता को प्रणाम कर कर ये कसते हैं, क्योंकि ये पैर लगा रहे हैं बट ये आशीर्वाद लेके ही करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी के खिलाफ डिसरेस्पेक्ट किया जा रहा है, लेकिन ऐसा ये ऐसे ही रूल है ताकि वो टाइट से कसा जाए। अब दोबारा कसा जाएगा इस डप्पू को। तो ये बहुत मेहनत का काम है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एक घंटे में आधे घंटे में बन जाता है, दो तीन दिन का प्रोसेस है और कई घंटों का प्रोसेस है। जैसा कि आज मैं सुबह आया था 11 बजे, अभी शायद 2-3 बज रहे हैं, तो अभी भी ये प्रोसेस एक ही डप्पू है, ये एक ही डप्पू बन रहा है इतने देर में। तो पूरा हैंडमेड प्रोसेस है, हाथों की जो है सफाई है, हाथों से बनाया जाता है। तो बहुत ही मेहनत का काम है, और लेकिन जब ये बजता है तो आवाज़ जो निखर कर आता है तो लोग झूमते नाचे बिना नहीं रह सकते। तो ये है माता पूजा डप्पू का कमाल। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यार। अरे मैं नहीं कहता
किताबों में लिखा है यार, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यार। जय भोलेनाथ, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो देखिए कितना बड़ा रस्सी निकल कर आया है अभी, और ये और बड़ा होगा कसने के बाद, जो उन्होंने वेट दिया था उसके वजह से टाइट हुआ है डप्पू, तो रस्सी को और टाइट किया जा रहा है। तो ये है कारण वेट देने का, ऊपर से जो चढ़कर प्रणाम कर कर इन्होंने वेट दिया डप्पू पे, ताकि और वो टाइट हो, मजबूत हो, कसे। ओ भाई दोस्तों, ये बहुत ही टाइट है, आपको ऐसे मतलब छू के अगर देखोगे हिलेगा नहीं, ये हिल नहीं रहे। सूख जाएगा तो क्या होगा? सूख जाएगा तो फिर ये पत्थर बन जाएगा। काट रहे। 3 तारीख को मंदिर में बजाएगा हम लोग पूरा। हाँ पता है, 9 जन बजाएगा, चमड़ा रहेगा, सब चमड़ा ही रहेगा, चमड़ा ही सही है। बजाओ बजाओ, ये थोड़ा सीख जाए, कल कल सुनोगे इसका आवाज ना। हाँ बस आप देखते रह जाए, कहा भल गया आज, कच्चा है ना बहुत, में भी बहुत आवाज अलग ही है। मैंने कल सुख जाएगा तो उस्ताद एकदम फुल चिल्लाने लगेगा, जम के बजेगा। आप आवाज जितना दूर नहीं पहुंचेगा, इसका गूंज उतना दूर पहुंचेगा। तो दोस्तों ये था मेकिंग ऑफ डप्पू बाजा दद्दा जी के द्वारा, दद्दा डप्पू बाजा ग्रुप। आपको याद होगा डप्पुल नारायण, कई सालों पहले उन्होंने स्टार्ट किया था माता पूजा के लिए डप्पू खड़गपुर में, और उन्हीं की प्रथा को हमारे दद्दा जी आगे बढ़ा रहे हैं। जय माता दी, जय श्री राम। बहुत मेहनत है, उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। जय माता दी। पिछले 3 साल से कोशिश कर रहा था दोस्तों कि डप्पू बाजा, मेकिंग ऑफ डप्पू बाजा बनाऊं, तो इस साल सक्सेस हुआ है। तो ऐसे कुछ और वीडियोस आएंगे, कोशिश करूंगा जो भी मैं प्लान कर रहा हूं वो वीडियोस बने। आप अपना साथ देते रहिएगा। जय माता दी।